हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अभी की डेट में एक वीडियो आई है यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट ऑफ द डे कैप्टन कूल मिस्टर एम एस धोनी ओके इनका ब्रांड बेस्टर है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के और लगभग ग्यारह सौ रुपए एक हजार के यहाँ पर शेयर है और सोलह सौ सो रुपए के टारगेट यहाँ नजर आ रहे हैं अच्छा चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको फुल स्टडी टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल यहाँ पर करके आपको दिए और इस पर्टिकुलर वीडियो में एक शेयर से रेटिव बातें करने वाले हैं जो कि मुझे फाइनली लगता है कि आपको अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न दे सकता है और यहाँ पर वो शेयर ऑलरेडी काफी यहाँ पर टूट लिया है और टूटने के बाद अभी रेडी टू मूव है आज के दिन में यहाँ पर तीन चार परसेंट भागता हुआ दिखाई दिया बट अगर कल की डेट में गिरता हुआ दिखाई देगा तो मैं इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा डेफिनेटली बनाऊंगा कल मैं इसे बाइंग करूंगा तो कह सकते हैं कि आई विल दिस स्टॉक टुमारो अगर हम यहाँ पर बात करें आई विल बाय दिस स्टॉक टुमारो अगर हम यहाँ पर देखें प्लेलिस्ट एम ए जाइए गो थ्रू करिए वीडियोस को देखिए बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है आपको बट यहाँ पर आपको सीखना है और सीखने के लिए वीडियोस देखनी है वीडियोस देखिए लाइक करिए कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर कमेंट करिए आपके क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड कि कौन सा स्टॉक्स है और क्या उसके फंडामेंटल्स है तो जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं उसका नाम है यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं Valiant ऑर्गेनिक लिमिटेड वैलियंट ऑर्गेनिक लिमिटेड करता क्या है ऑर्गेनिक लिखना है तो सी बात है यहाँ पर कहीं ना कहीं केमिकल से इलेक्ट्रिक यहाँ पर काम करता हुआ नजर आता है और यहाँ पर अगर देखिए तो यहां पर देखिए वैलियंट ऑर्गेनिक इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ manufacturing केमिकल्स फॉर एग्रो इंटरमीडिएट्स वेल इन फार्मा मतलब फार्मा और एग्रोकेमिक एग्रोकेमिकल से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग आउट एज सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी 1984 मतलब सिंगल प्रोडक्ट से यहाँ पर मैन्युफेक्चरिंग शुरू हुई थी इस कंपनी की टू डे पर अगर बात करें तो लीडिंग प्रोड्यूसर है कहाँ पर किस चीज में शन में अमोनोलाइसिस में एज वेल एज बात करें यहाँ पर एसिटे में में एंड के स्पेशल प्रोडक्ट इन इंडिया मतलब इन पर्टिकुलर केमिकल्स में लीडिंग है जो कि इन केमिकल से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें अगर बात करें यहां पर इट मैन्युफेक्चर वाइड पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट यूज इन इंटरमीडिएट्स इन सेवरल एंड यूजर इंडस्ट्री एंड ऑल्सो सेवरल वैल्यू एडिड प्रोडक्ट मतलब काफी सारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाते हुए यह कंपनी नजर आती है और एटी फाइव परसेंट ऑफ रेवेन्यू इंडिया से आता है बाकी यहाँ पर बात करें फिफ्टीन एक्सपोर्ट करता है uh, इसके अलावा यहाँ पर कंटिन्यूस एक्सपेंशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन अगर बात करें यहाँ पर इन कंपनी का एक्सपेंशन यहाँ पर uh, यहाँ पर चलता आ रहा है हमेशा अगर बात करें कंपनीज़ हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर कैपेसिटी इनहेंसमेंट यहाँ पर इनको अच्छे खासे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है नए कैपिटल कैपेसिटी इनहेंसमेंट के लिए न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए अगर बात करें इंक्रीज क्लोरोफिन कैपेसिटी इन्होंने इसकी uh, कैपेसिटी uh, इंक्रीज कर दी है ओके ट्वेंटी ट्वेंटी में अगर बात करें द कंपनी ऑल्सो इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ मतलब अलग अलग जितने भी इनके ये प्रोडक्ट्स हैं इनकी सबकी यहाँ पर इन्होंने कैपेसिटी यहाँ पर इंक्रीज करी है

पैरा अमीनो फिन फिनॉल से रिलेटेड पी, पी आ, तो यहाँ पर अगर बात करें फाइनेंशियल 2020 और 21 में यहाँ पर ये कैपेसिटी यहाँ पर इंक्रीज मतलब ये यह चीज यहाँ पर ये शुरू हो जाएंगी आ, ओके तो सेकेंड हाफ में अगर बात करें विच बीन आइडेंटिफाइड टू मतलब पी एल आई स्कीम के अंदर यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी और इट एडिड दर्थो नाइट्रो एनिसोल एज वेल एज पैरा नाइट्रो एनिसोल टू इट्स पोर्टफोलियो तो मतलब जब यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंड एक्सपेंड हो जाएगी ना तो वैसी बात है सारा का सारा जो प्रोडक्ट्स है पूरा का पूरा ये ये सारी की सारी इनके रिवेन्यू एज वेल एज

यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस कंपनी से रिलेटेड काफी सारी चीजें यहाँ पर पता चलेगी वी आर वे, वेलेंट पर इन्होंने बता रखा है यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर ये है इंडस्ट्री सर्व की बात करें तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर एग्रोकेमिकल्स एज वेल एज बात करें यहाँ पर सेम यहाँ पर डाइस से रिलेटेड जो कंपनी काम करती हुई नज़र आती है एज वेल एज पिगमेंट पिग्मे, पिगमेंट से रिलेटेड काम करती हुई नजर आती है वो उधर ये अपने केमिकल्स बनाते हैं उस कंपनी के लिए फार्मा के लिए एज वेल एज यहाँ पर uh, uh, वेटनरी से रिलेटेड यहाँ पर पशु पक्षियों से रिलेटेड मतलब पशुओं से रिलेटेड जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं सॉरी uh, जो आई थिंक इंजेक्शन से रिलेटेड वो एज वेल एज यहाँ पर देखे तो पॉलीमर्स यहाँ पर बात करें स्पेशलिटी केमिकल्स और यहाँ पर बात करें कॉस्मेटिक्स तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ये चीज़ यहाँ पर सर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 35 फाइव ईयर्स ऑफ ईयर्स की इनकी लैगेसी है यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो प्रोडक्ट्स के बारे में आप यहाँ पर जा जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हुए दिखाई देते हैं ऑलरेडी हमने इससे रिलेटेड हमने बातें कर भी लिए कि इनके कौन कौन से प्रोडक्ट है या कैसे कैसे इनके प्रोडक्ट है प्रोसेस अबाउट यहाँ पर जा रखे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं अब आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे तो कंपनी मोस्टली देखिए केमिकल्स बनाती है और मोस्टली सारी की सारी जितनी भी इंडस्ट्री है एग्रो फार्मा कॉस्मेटिक्स ओके पर ये उन्हें सर्व करती हुई नजर आती है तो अगर हम यहाँ पर देखें मार्केट कैप देखिए स्मॉल कैप कंपनी है तीन हजार सात सौ नब्बे करोड़ की कंपनी है बट ऐसी ही कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देती है इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि ये छोटी जो कंपनी होती है उसे एक्सपेंड करने में ओके okay, देखिए पैसा तो लगते ही है और एक बार पैसा का अरेंजमेंट हो जाता है कैपेसिटी एक्सप यहाँ पर इनकी बढ़ जाती है इनके एसेट बढ़ने लग जाते हैं इनके जैसे कि इन्होंने अभी हमने देखा था कि कैपेसिटी की इंक्रीज हो कर रहे थे हर बार तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ऐसी छोटी कंपनी धीरे धीरे करके ओके okay, बड़ी कंपनी बन जाती है आ, जो कि आपको पता भी नहीं चलता तो इस शेयरों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिए लंबे टाइम में ये शेयर आपको मल्टीपैगर रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे आरओसी ओसी की बात करें 27 परसेंट और 26 परसेंट का आर ओ ही है डेट देखिए 25 परसेंट का डेट है कमी डेट है प्लेस की बात करें पॉइंट टू टू परसेंट का यहाँ पर प्लेसिंग भी है यहाँ पर इंट्रेंसिंग वैल्यू देखिए सोलह सौ सत्रह सौ रुपए के आसपास की वैल्यू फेस वैल्यू दस रुपए की आसपास की है और यहाँ पर अगर हम एक लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखेंगे ना तो आपको पता चलेगी दो हजार सोलह में जब अक्टूबर में कंपनी आई थी उसके बाद से ही भागती नजर आ रही है फिर दो हजार उन्नीस से यहाँ पर दो हजार बीस में थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट किया ओके और फिर उसके बाद दोबारा जब ये शेयर भागा तो छह सौ रुपए का पांच सौ रुपए का शेयर कब कहां तक अठारह सौ रुपए तक भागता हुआ दिखाई दिया, है तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है एक बार इसकी अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक ग्रोथ दिखाई देगी कंपनी एक साइड बेस्ट जोन में चली जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक फिर उसके बाद एक अच्छा खासा यहाँ पर जैसे केमिकल्स के शेयर भागे ये शेयर भी भागने लग गया और अच्छा खासा यहाँ पर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू हाईएस्ट एवर अगर बात करें यहाँ पर कंपनी जस्ट बिकॉज यहाँ पर एक्सपेंस कुछ ज्यादा हुए हैं तो इस वजह से यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके प्रॉफिट उस तरीके से इंक्रीज हुए बट इनके रेवेन्यू डेफिनेटली इंक्रीज हुए तो इस चीट को आपको देखना होगा और अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर इनका कंसोलिडेट नंबर तो कंसॉलिड

बोरिंग की बात करें बोरिंग यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ी है वन ट्वेंटी फोर करोड़ रुपीज की यहाँ पर बोरिंग भी है इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास है लास्ट ईयर के हिसाब से कैश भी यहाँ पर दे रखा है और कुछ शीट भी हम और भी दूसरी वेबसाइट पर देखेंगे ओके शेयर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो देखिए थोड़ी सी दो से बात करें तो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी कम करी है लगभग थोड़ी सी भी नहीं कहेंगे ग्यारह की हिस्सेदारी तीन साल में कम करी है बट अगर एफ की बात करें जो एफ आईज पर मार्च दो से नहीं रहे सेप्टेबर में यहाँ पर एफ आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर वन की हिस्सेदारी रख रहे हैं डीआईज की बात करें डीआईज में डीआईस टू परसेंट की सदारी है और पब्लिक की बात करें पर परसेंट की सदारी दिखा रहा है बट अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने लगभग बीस परसेंट के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर ले रखी है और लगभग ट्वेंटी ट्वेंटी की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक के पास नजर आती है तो इस चीज को आपको देखना होगा एक बार ये कंपनी बोनस दे चुकी है अगर हम यहाँ पर जाए हाँ तो अगर यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा एक बार यहाँ पर कंपनी ने बोनस भी दिया है और इसका जो हम यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न तो यहाँ पर घटते हुए नजर आई है बट तो यहाँ पर रिवेन्यू देखेंगे कंपनी के रिवेन्यू लगभग देखिए दो में छे सौ बनवे करोड़ के थे 2020 में आपको पता ही है लास्ट में यहाँ पर कोरोना आता हुआ दिखाई दिया इस वजह से पहले क्वार्टर में इनका सही से आई थिंक बिजनेस नहीं हुआ इस वजह से यहां पर गिरता हुआ दिखाई दिया बट उसके बाद दो में देखेंगे तो देखिए रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए इनके नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे ना तो नेट प्रॉफिट भी आपको देखिए एक ही लाइन में यहाँ पर चलते दिया। हुए दिखाई दिए एटलीस्ट कम नहीं हुए और धीरे धीरे ऐसी कंपनी जब एक्सपेंशन करने लग जाती है पी स्कीम का जो फायदा उठाएगी तो थोड़ा सा अगर हम टाइम देंगे इसे छह महीने से एक साल के अंदर अंदर जाए और जैसे कि ये बताई रहे

ने ऑलरेडी यहां पर दिखा दी थी तीन गुना ये शेयर हो चुका था उसके बाद से अगर हम बात करें तो देखिए अक्टूबर से लेके बात करें तो एक गिरावट ही है एक लंबी गिरावट है एक साल से एक ही रेंज पर ये कंपनी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है नीचे के टाइम में यहाँ पर देखे तो नीचे यहाँ पर देखिए कंपनी ने यहाँ पर बॉटम बना रखा है बारह बार रुका था एक बार रुका तो पर ये इनके अगर बात करें एक स्टॉप लॉस के पॉइंट होंगे बट स्टॉप लॉस हम लगाते नहीं है अच्छी कंपनी में लेके थोड़ा सा वेट करते हैं तो आपको पता चलेगी ऐसे यहाँ पर शेयर भागते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर बात करें ऊपर के लेवल पर यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट रेंज में ही यहाँ पर कंपनी चलती हुई नजर आती अब बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न की तो अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा खासा कब विद हैंडल पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है ये शेयर और जब इतने टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेट किया लगभग एक साल से कंसोलिडेट कर रहा है ये शेयर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो ऐसे शेयर यहाँ पर भागते हुए नजर आते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखे, तो देखें तो देखिए यहाँ पर एक किसने कब बनाया कब बना के यहाँ पर हैंडल बनाया और हैंडल बनाने के बाद ये शेयर ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और जब इस तरीके से यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसके जो टारगेट नजर आ रहे हैं इसके टारगेट भी उसी तरीके से नजर आ रहे हैं यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें इसके टारगेट से रिलेटेड तो आपको पता चलेगी इसके टारगेट कितने नजर आ रहे हैं हम्म तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसका जो टारगेट है पच्चीस सौ रुपए के लगभग के टारगेट नजर आ रहे हैं और शेयर कितने पे चल रहा है चौदह सौ रुपए के आसपास चल रहा है और यहाँ पर देखिए मार्केट केमिकल्स कंपनी यहाँ पर भाग रही है और जब भी भाग रही है यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर अच्छी अच्छी कंपनी अच्छे अच्छे रिजल्ट दे रही है और यहाँ पर तो ये कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो भी कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करती है ना थोड़े टाइम बाद यहाँ पर कंपनी भागना शुरू कर देती है और यहाँ पर सेकेंड हाफ में ही इनका ये सब चीज शुरू होने वाली है तो ये कंपनी दोबारा भागती हुई दिखाई देगी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इस कंपनी में बहत्तर के रिटर्न यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि मुझे लग रहा है एक साल के अंदर अंदर यहाँ पर आ जाएंगे आज के दिन में लेके छह परसेंट के आसपास ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया है एज वेल एज एक अच्छी खास यहाँ पर ग्रोथ दी uh, है लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न भी देखिए कंपनी का अच्छा खासा ही है ओके अपसाइड साइड डाउन है जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है तो इस चीज के लिए देखना पड़ेगा देखिए तीन गुना यहाँ पर पैसा किया तो था पर, पर और अच्छी कंपनी से रिलेटेड का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी छोटी कंपनी अच्छी कंपनी यहाँ पर आपको गिरती हुई दिखाई दे थोड़ा सा तो ऐसी कंपनी को लपक लेना चाहिए देखिए ये कंपनी लगभग अभी भी पच्चीस परसेंट हो और यहाँ से अगर देखे तो ये शेयर लगभग तीस से पैतीस टूट चुका था और यहाँ पर देखिए तो चालीस परसेंट से लगभग टूट चुका था तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं और यहाँ पर अगर हम देखें एक चीज तो देखिए एक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डबल बॉटम तो देखिए यहाँ पर एक इसके बाद यहाँ पर यह डब्ल्यू शेप यहाँ पर रिकवरी दिखा सकता है तो इस चीज की तरफ ध्यान दीजिएगा तो पहला टारगेट चौबीस का है दूसरा टारगेट यहाँ पर है तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अच्छा स्टॉक्स है जो आपको दिखा दिया और यहाँ पर अगर हम एक चीज और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसने यहाँ पर दे नहीं रखा है क्वार्टरली रिजल्ट दे रखे हम्म तो कंपनी ने ठीक ठाक यहाँ परफॉर्मेंस किया है और अच्छे खास प्रॉफिट भी आ रहे हैं और ज्यादा डेट भी नहीं है कंपनी की वजह से इस कंपनी को आगे चल के प्रॉफिट ही होना है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलते रहे थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस